प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में केंद्रीय विद्यालय के छात्रों से बोर्ड परीक्षा को लेकर परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस खास कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय विद्यालय सुल्तानपुर में तैयारियों के बाबत प्राचार्य के केपी यादव सिंह से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। अक्सर ये देखा जाता है कि छात्रों में परीक्षा आते ही उनके चेहरे पर तनाव की स्थिति छलकने लगती है और छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और साथ ही उनके स्कूली शिक्षकों में भी चेहरे पर तनाव आ ही जाता है। और खासकर जब बोर्ड परीक्षा होती है तो बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तीनों में उनके चेहरे पर तनाव की स्थिति अक्सर दिखाई पड़ जाती है। क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या खास इंतजाम किए गए हैं? सर, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे, उसको लेकर के आपके केंद्रीय विद्यालय में क्या तैयारियाँ चल रही हैं? पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वर्षों में 4 बार माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं और जब भी वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं तो बच्चों का उत्साह वर्धन होता है। अभी 1 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम से माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली 11 बजे देश और विदेश के बच्चों से जुड़ेंगे और जिस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, अब हम ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं, तो ऑफलाइन मोड में चुनौतियां फिर एक नए सिरे से नए रूप में आ गई हैं। उनसे कैसे हम निपटे और कैसे बच्चों को तनाव मुक्त करें, उम्मीद करते हैं कि CBSE परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं 26 अप्रैल से। माननीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव से, सलाह से, उत्साहवर्धन से बच्चे अच्छा करेंगे और तनाव मुक्त होकर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्राचार्य केपी यादव जी ने बताया कि बच्चों को बैठने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, LED TV लगाई गई है, साथ ही साथ प्रोजेक्टर भी लगाए गए हैं जिसके माध्यम से बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रूबरू हो सकेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों ही बोर्ड परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहें और छात्र पूरी तरह से प्रसन्न होकर के परीक्षा में प्रतिभाग करें। सुल्तानपुर से कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ रवि श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़।